अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर 15 के बारे में, फिज़िक्स स्टूडेंट के बारे में, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना कोई तखीर किए। तो पहला है रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। उसके बाद दूसरा है वह डिफाइंड इलेक्ट्रो मैग्नेट इंडक्शन। उसके बाद जो तीसरा है वह डिफाइंड फ्लड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। उसके बाद है चौथा है वह डिफाइन एसी जनरेटर। उसके बाद पांचवा है वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद जो छठा वो है व्हाट इज रिले, हाउ इट्स वर्क। उसके बाद जो सातवां है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रामा म्यूटरल इंडक्शन। उसके बाद जो आठवां है वो है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन अ कनेक्शन। उसके बाद जो आठवां है वो है डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट, हाउ डज दिस फेमिनोमेनन रिलेट टू द कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो दसवां है वो है व्हाट आर फैक्टर्स विच अफेक्ट में सर्किट बाय चेंजिंग फील्ड। नाम है वो हाउ डज एटीएम मशीन रीड बैंक क्रेडिट कार्ड। उसके बाद जो बारह वो है कैन मैग्नेटिक पोल्स बी सेपरेटेड एंड हाउ। उसके बाद जो तेरह है वो है ऑन विच प्रिंसिपल वर्क थ्रू मेटल डिटेक्टर्स वर्क। उसके बाद जो सोलह वो है व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ऑयल। उसके बाद पार्ट टू में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। उसके बाद जो दूसरा वो है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स विद हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद है व्हाट इज सोलेनोइड, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो करंट इन इट। उसके बाद और ये आज तक यही था। वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।